इसकी सर्विस करनी हो तो हो जाएगी यहाँ से भाई। भाई ओ ओ ओ ओ ओ होंडा का मिल जाएगी वहां से। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जा रहा हूँ चेन ल्यूब्रिकेशन खरीदने और चेन क्लीनिंग की स्प्रे, क्योंकि मुझे चेन में से ना बहुत आवाज़ आ रही है, चेन और चेन स्प्रॉकेट में से बहुत आवाज़ आ रही है टक 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 की। तो चेन बहुत ड्राई हो चुकी है, उसके लिए मुझे आज ख़रीदनी है क्लीनिंग और ल्यूब्रिकेशन स्प्रे। सो चलते हैं स्प्रे लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत टाइम से मतलब कि ना ध्यान नहीं दिया चेन की तरफ। तो अब जब वो पूरी ड्राई हो गई है ना, अब आवाज़ कर रही है बड़े गंदे तरीके से और वो लूज़ भी हो गई है। आज चेन स्प्रॉकेट का काम करते हैं। ओह ये तो दुकान बंद है यार आज ना वेंसडे है, तो थोड़ा सा घूमना पड़ेगा कि कौन सी दुकान खुली है, क्योंकि मैंने बड़ा गलत डे चूज़ कर लिया है काम करवाने का। आज आवाज़ बंद कर भाई, ये बंदा इतना हॉर्न मारता रहना पीछे से। आज मैंने ना स्पेशली हाफ डे लिया था कि चलो आज बाइक का थोड़ा काम करवाएंगे, क्योंकि यार 11 to 7 जॉब है तो अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके चक्कर में यार बाइक का भी ध्यान कम ही रखा जाता है। तो आज फाइनली मैंने छुट्टी की थी, और छुट्टी करके पता चल रहा है मुझे कि यार आज वेंसडे है, आज तो मार्केट ही सारी बंद है। तो ओ भाई 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 भाई, ओ यार बड़ा पागल बंदा यार भाई, दोनों बैठे हुए मस्ती में अपना आराम से। ओए दिख नहीं रहा शीशा, दिख नहीं रहा वहां का, पागलों की तरह भगाई जा रहा है। तो हॉर्न नहीं सुन रहा तुझे, सीधी अपनी अपनी दबाई जा रहा है। तो क्या करूं मेरे भाई, तो ध्यान से चलाना, इतना ही कर बस। कैसे बैठा हुआ है भाई, बड़े पागल लोग हैं यार। ऊपर से गलती करके मुझसे पूछ रहे कि भाई क्या करूं। मैंने कहा भाई इतना ही कर कि तू गाड़ी ढंग से चला और कुछ मत कर, बताओ यार। और यहाँ पे तो पूरी मार्केट ही बंद पड़ी हुई है। होप सो कोई एक आधी दुकान खुली हो और सामान मिल जाए। वैसे दिख तो रहा है कि एक शॉप खुली हुई है, बाकी देखते हैं ट्राई करते हैं क्या सीन है भाई। खबर नहीं है लोगों को, ये अंकल भाई साहब फुल सेट होके खड़ा हुआ है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और आराम से भाई कहीं, भाई आज गोप्रो लगा के निकला हूँ ना, फर्स्ट टाइम ऐसे मैं गोप्रो लगा के निकला हूँ आज शाम के टाइम बाइक लेके, वरना मैं ऐसे आता ही नहीं हूँ कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो भाई एक भी दुकान नहीं खुली हुई, एक भी दुकान नहीं खुली। तो यार एक भी दुकान नहीं खुली हुई, ये तो नीचे सर्विस सेंटर है, इनके पास पता नहीं मिले ना मिले। फाइनली होंडा के शोरूम आ गए हूँ, इनसे पूछता हूँ एक बार कि भाई इनके पास ल्यूब्रिकेशन स्प्रे मिलती है कि नहीं। भैया ल्यूब्रिकेशन स्प्रे भी होती है अपने पास? ल्यूब्रिकेशन स्प्रे चैन क्लीनिंग की स्प्रे होती है ना, पहली बार सड़क पर जाऊंगा ना, वो रिक्शे वाले खड़े ना, वो जो हाँ गली के अंदर जैसे अंदर होंगे ना, हाँ सर्विस सेंटर आपको बोर्ड दिख जाएगा होंडा होंडा का, मिल जाएगी वहाँ से, वहाँ पर होती है। चलो ठीक है, थैंक यू भैया। तो देखते हैं अभी मिलती है कि नहीं। तो भाई चैन का हाल देखो, चैन बहुत गंदी पड़ी है, दिखाता हूँ वहाँ पे रुक के एक बार सर्विस सेंटर चेक कर लेते हैं होंडा के, वहाँ पे मिलती है कि नहीं। दूसरी साइड है, उस साइड चलते हैं। होंडा का सर्विस सेंटर तो दिख गया, बाकी पता करते हैं चेन ल्यूब इनसे। भैया चेन ल्यूब मिल जाएगा, चेन ल्यूब और चेन क्लीनर इसकी? हाँ वो भी अवेलेबल नहीं है। हाँ नहीं, दो स्प्रे अलग अलग भी थे आंदी है। कब तक आ जाएगी?
नेक्स्ट वीक इसकी सर्विस करनी हो तो हो जाएगी यहाँ से? यार मुझे ना बड़ी दूर जाना पड़ता है, पड़पड़गंज जाना पड़ता है। एक्चुअली में यही है, ये रिंग रिंग है ना, गोल्ड रिंग। हाँ इसमें हमारे पास 250 सीसी तक की आता है, सुपर की सर्विसिंग बोलो। ओके ओके ओके, 250 सीसी तक की हम कर देंगे। ओके ठीक है, इससे ऊपर की सारी कोई। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच भाजी। भी तो स्प्रे अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सर्विसिंग का भी पूछा था, बाइक भाई बहुत गंदी हुई पड़ी है। मैंने सर्विसिंग का भी पूछा था, सर्विसिंग के लिए कह रहे थे कि भाई 250 सीसी तक ही सर्विस करते हैं। तो नहीं, कंबाइन स्प्रे आती है और, बट मैंने वो कभी यूज़ की नहीं। तो चलो मुझे ये तो पता चल गया कि होंडा से वो भी मिल जाती है, तो 575 रुपये समथिंग कुछ, मतलब 600 रुपये तक की स्प्रे बता रहे थे। अगर मैं दोनों अलग अलग लेता हूँ तो मुझे पड़ती